आवाज क्लियर है वजूद जन से है कायनात में रंग वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग उसी के साथ से है जिंदगी का सोजे दरू मकाल मात फला न लिख सकी लेकिन मकाल मात फ्लातून लेकिन उसी के शोले से, शरारे अल्लाम के इस शेर के से निकाल कर और जे कमाल तक पहुंचा दिया मगर अफसोस मुसलमान औरत बजाय मुकाम और मरतबे का लिहाज करते हुए दुनिया और आखिरत की कामयाबियों के लिए दूसरे अखवाम की तख्लीक करने के पीछे दौड़ रही है आइए इस मौजु पर यानी चैलेंजेस के पर एक बेहतरीन गुफ्तगु सुनने के लिए मैं दावत देती हूँ बहन आयशा अमीर साहेबा जो सबक जोनल प्रेसिडेंट रह चुकी हैं और आपने एम ए साइकोलॉजी इंग्लिश दोनों से किया है दुरिया मई ऑडेबल यस ओके ठीक है uh, मुझे पावर पॉइंट शेयर करना है okay uh, is my screen visible yes yes okay okay khair okay people let's get started a'udhu billahi minash shaitaanir rajeem bismillahir rahmanir raheem nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem amma baad. would meri moazzaz zimmedara ne gio aur pyari behno अगर कोई माए हैं तो वो भी असलम वरहमतुल्लि वरक अलहमदुल्ला कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दी सक्सेसफुल यू नो आप ये जो सीरीज कंडक्ट कर रहे हैं काफी कॉम्प्लेक्स जो है टॉपिक्स को आप लोग डील करने की कोशिश कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आई वुड लाइक टू बिगिन बाय कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू ऑन दिस एफर्ट एंड इनशाला आई विल डू माई बेस्ट टू सी हाउ वी कैन गो अबाउटिंग हियर एंडोर आई बिगिन मुझे आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दिस सब्जेक्ट आई एम जस्ट अ स्टूडेंट आई एम अगिनर तो हो सकता है अगर कोई कमी बेशी अगर हो जाए तो प्लीज काइंडली लेट मी नो uh, और दूसरी चीज ये है कि ये जो टॉपिक uh, uh, हमारी बहनों ने चूज किया है दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी लेयर्ड टॉपिक ठीक है इसमें बहुत सारे परन्ट्रोवर्शियल आइडियाज भी है ठीक है तो आ, बहुत खुले जहन से सुनने की जरूरत है और अगर कुछ जो है आप लोगों को कोई बात गलत महसूस हो रही तो प्ली, 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 प्लीज फील फ्री टू गिव मी फीडबैक एज वेल आई एम ऑलवेज ओपन टू फीडबैक एंड करेक्शन बिकॉज आई बिलीव वी ग्रो थ्रू करेक्टिव फीडबैक ठीक है तो अब ये जो टॉपिक है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स uh, सुनाई दे रहा है इट साउंड्स अ लिटिल इंटिमिडेटिंग बट आई विल डू माय बेस्ट टू ब्रेक इट डाउन फॉर यू नाउ बिफोर वी बिगिन आई अंडरस्टैंड दैट वी आर ऑल कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ यू नो सेल्फ ठीक है अब हम यहाँ पर मौजूद हैं हमारी अपनी हैसियत में मैं यहां पर मौजूद हूं आईशा अमीर की हैसियत से uh, वैसे ही जो है आप सब यहां पर अपने uh, अपनी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन uh, कुछ देर के लिए मतलब हम जब ये गुफ्तगु करेंगे तो थोड़ी देर के लिए आई वॉन्ट यू ऑल टू जूम आउट ऑफ द्लानुक आर प्लान वो मंजर से जो है हमको यह टॉपिक स्टडी करना पड़ेगा सो वी आर लुकिंग एट प्लान प्लान लुकिंग एट द प्लैनेट फ्रॉम क्या बोलना चाहिए जूम्ड आउट परस्पेक्टिव तो सेवन बिलियन पीपल डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट कम्युनिटीज, इज अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज रेसेस कलर्स ऑफ स्किन, राइट तो ये टॉपिक का तक ही ये है कि हम चीजों को जो है ऐसे डाउन तरीके से या फिर एक टॉप अप्रोच से जो है हम इसको देखें ओके राइट वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी बिगिन हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट दिस इज अ रेलेवेंट

फिर वी विल लुक एट दी इम्पैक्ट दैट दीज आइडियाज क्रिएटेड दुनिया में जो है इनकी वजह से क्या इम्पैक्ट हुआ है और क्या प्रॉब्लम्स ठीक है, ये जो है हैं. Then, uh, solve, uh, तो ये चार पहलू से जो है इनशाला हम या फिर uh, समझिए कि लगभग तीन पहलू से हम इसको देखने की कोशिश करेंगे ओके okay. राइट right. जब जैसे ही हम ये वर्ड बिलीफ का नाम लेते हैं हमारा जहन रिलीजन की तरफ चले जाता है ना क्योंकि बिलीफ अखीदा हम जो है वो जाविया में हम चले जाते हैं लेकिन आपसे एक छोटा सा सवाल करूँ करूंगी कि वाई डू ब्रश योर टीथ

कि आपके दांत जो है हेल्दी रहेंगे आपका मुंह साफ रहेगा आपका ब्रेथ साफ रहेगा इट विल कीप योर माउथ फ्रेश एंड योर टीथ हेल्दी राइट सो आर यू थिंकिंग अबाउट दिस बिलीफ एवरी टाइम यू ब्रश नो राइट डज दैट मीन द बिलीफ इज नॉट देयर इट्स 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 नॉट सर्फेसिंग एवरी टाइम आप जब भी ब्रश लेके जो है पेस्ट लगाते हैं हम तो आधी नींद में होते हैं तो आर वी थिंकिंग अबाउट द बिलीफ

What are these people doing? Yes, what are these people doing? Okay, they are praying, right? So these are people praying. They are possibly in a place of worship. Now we think that they are praying because they believe uh, in something. They believe that they are praying to a God, they believe that their prayers will be answered. So this is an example of people b believing in something. Now look at the other picture. What are these people doing? Okay, enjoying, dancing, right. So these are people dancing at a club, right. Now you that these people are also doing this out of a certain belief. Okay. Now what is belief This action, this action that they are taking, they are dancing, they are having a good time, they, you know.

क्योंकि यू नो मतलब बहुत गाढ़ा टॉपिक है मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी लेकिन हमको हमारी जानकारी के लिए जो चीजें जरूरी है हम उन चीजों पर नजर डालने की कोशिश करेंगे राइट सो देर आर टू मेजर वेज ऑफ थिंकिंग दैट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर इन टूडे सेशन एंड दैट इज लिबरलिज्म एंड फेमिनिज्म ओके सो लिबरलिज्मेमिज्म स्टार्ट ऑफ विथ एनीबडी हाउ मेनी ऑफ यू थिंक यू आर ऑल लिबरल पीपल

व्हाट इज लिबरलिज्म अब उसका उसका डेफिनेशन देखिए लिबरलिज्म पॉलिटिकल एंड दैट बिलीव्स इन द इमोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी ऑफ लिबरलिज्म अब ये आया कहा से ये जो सोचने का पैटर्न है जिसके अंदर जो है ये तीन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है ठीक है बेसिकली इंडिविजुअल फ्रीडम है और आप इंसानों की इक्वालिटी है और डेमोक्रेसी है यानी कि गवर्नेंस का जो स्टाइल है ठीक है ये तीन चीजों के ऊपर जो है लिबरलिज्म ने बहुत ज्यादा फोकस किया है नाउ वी विल लुक एट व्हाई लिबरलिज्म केम इनटू एग्जिस्टेन्स ठीक है तो अब ये कैसे आया तो बहुत अरसा पहले या फिर जो है कुछ अरसा पहले यू कहिए कि बहुत सारे कंट्रीज का मामूल ये था कि वहां पे किंग्स या एम्परार्स या मोनार्की का रूल हुआ करता था ठीक है अब ये जो किंग्स है एम्परार्स होते थे दे हैड ऑल द पावर एंड दी नॉर्मल पीपल द आम जनता है इन हाउ थिंग डन ठीक है ये जैसा चाहते थे ये अपनी मर्जी चलाते थे जब सा चाह किसी का सर काट दिया जब चाह खुशी से जो है किसी को एक गाँव जो है गिफ्ट कर दिया या फिर जो है माला माल कर दिया ठीक है सो इट वॉज अप टू देयर विल उनके विल उनके मूड उनके डिसीशंस के ऊपर जो है सारी कंट्री का जो है निजाम चलता था ठीक है इन, उनको अगर गुस्सा आ गया तो फिर अल्लाह बचाए उनके गुस्से से या फिर अगर वो खुश हो गए तो फिर उनकी खुशी में जो है वो को नमाज देते थे तो ये जो है मतलब सिंगल पर्सन रूल या फिर जो है एक मोनार्की के अंदर या फिर एक फैमिली के अंडर में जो है ये टाइप का जो रूल चलता था ये एक जमाने तक दुनिया के बहुत सारे हिस्सों के अंदर दिस वाज़ द वे थिंग्स फंक्शन ओके अब uh, अब वी वी आर टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट द यूरोपियन कंट्रीज क्योंकि लिबरलिज्म इज अ यूरोपियन आइडिया इट केम फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज ठीक है तो वहां पे वहां का मामूल यही था वहां के जो है हालात ऐसे ही थे अब लोग जो है बेजार होने लगे थे ये मोनार्किस से ये एम्पर से जो है लोग थक चुके थे एंड नाउ पीपल स्टार्टेड कम अप विध न्यू आइडियाज अबाउट हाउ सोसाइटी शुड वर्क ठीक है तो एक गवर्नमेंट होना चाहिए एक सिस्टम होना चाहिए कुछ ना कुछ होना चाहिए इस तरीके से जो है पीपल स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड सच आइडियाज एज डिफरेंट राइट्स तो हम इंडिविजुअल हैं तो हमारे कुछ हकूक होने चाहिए जब uh, किसी का दिल चाह वो हमारी जमीन हड़प लिए या फिर जो है मतलब हमको कोई चीज से बेदखल कर दिए या फिर हमारी जान ही ले लिए ऐसा जो है नहीं होना चाहिए ये जो है लोगों की सोच ऐसा uh, चलने लगी ऐसा डेवलप होने लगी तो फिर ये ममालिक के अफराज जो है दे केम अप विद आइडियाज लाइक लिबरलिजम ओके सो द राइट टू स्पीक फ्रीली फॉर एग्जाम्पल द राइट टू ओन प्रॉपर्टी फॉर एग्जाम्पल द राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली फॉर एग्जाम्पल तो ये ये सारी चीजें मैं बहुत सिंपलीफाई करके बोल रही हूँ मतलब आप अगर डीप में जाएंगे तो आप इसके ऊपर थीसिस कर सकते हैं आप इसके ऊपर मास्टर्स कर सकते हैं यू कैन डू अलॉट ओके बट वी आर गोइंग ओवर इट वेरी सिंपली सो हुआ ये लिबरलिज्म के, uh, uh, के आने से जो है ये तख्ता उलटने वाला जो है समझिए एक मानों में, एक में अमल था तो इसकी इसके बल पे लिबरलिज्म के बल पे जो है बहुत सारे रेवोल्यूशन अमेरिकन रेवोल्यूशन है फ्रेंच रेवोल्यूशन है तो दे वर ड्रिवन लिबरलिज्म सो so, ये एक चीज याद रखिए कि आइडियाज डो नॉट हैपन इन अ वैक्यूम ठीक है कुछ हालात ऐसे बनते हैं जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक जहनीयत तैयार होती है और फिर वो जहनीत की वजह से जो है लोग एक पर्टिकुलर जो है अः क्या बोलना चाहिए तबके फिक्र की तरफ जो है सोचने पर माइल होना शुरू होते तो पीपल इन दिस केस स्टार्टेड यू नो कमिंग अप विद आइडियाज दैट केम टू बी कॉल्ड लिबरलिज्म ठीक है अब ये लिबरलिज्म के जो आइडियाज है uh, यानी कि जब लोगों को पसंद आने लगे और फिर इसके रिजल्ट्स जो है लोगों को अच्छे लगने लगे तो फिर पीपल स्टार्टेड प्रोपोगेटिंग दीज आइडियाज अलग अलग तरीके से जो है इनको प्रोपोगेट किया गया तो फॉर एग्जांपल रेवल्यूशनरी मूवमेंट्स हुए ठीक है और फिर जो है ट्रेड और कॉलोनाइजेशन एक बहुत बड़ा जरिया बना अब दूसरे कंट्रीज के साथ जो जो है है जब आप आप ट्रेडिंग करते हैं तो फिर आप सिर्फ चीजों का तबादला नहीं होता आइडियाज का भी तबादला होता है ठीक है तो आइडियाज जो है तबादला भी होता है और फिर इम्पोज भी किए जाते हैं जब कॉलोनाइजेशन होता है जब कोई कंट्री पे जाके जो है एक दूसरा कंट्री यानी कि इम्पोज होके बैठ जाता है तो फिर दे कॉलोनाइज नॉट ओनली द

चले तो तो गए 1947 में लेकिन जो है उनके ख्यालात, उनकी जो उनकी जो है, वो सब जो है 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 उनके उनकी सोच वो सब आज भी हमारे पास मौजूद वर्ल्ड तो, uh, 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 और फिर एक और जो है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट तरीका आजकल की दुनिया में ग्लोबल कम्युनिकेशन है तो जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस का ईजाद हुआ जैसे ही यू नो पीपल टू स्टार्ट राइटिंग एंड पीपल स्टार्टेड नो रेडियो का इन्वेंशन हुआ टीवी का इन्वेंशन हुआ जब इंटरनेट डेवलप हुआ तो ये सारी चीजों की वजह से जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो आइडियाज का uh, जो है मतलब स्प्रेड बहुत तेजी से uh, बढ़ने लगा ठीक है सो दिस मीन दैट पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड गॉड एक्सपोज टू लिबरलिज्म स्टार्टेड अडोप्टिंग सम ऑफ इट्स प्रिंसिपल इन दियर ओन कंट्रीज एंड समय सेट अलॉट ऑफ प्लेस इट वॉज इम्पोज ऑन पीपल द आइडियोलॉजी वॉज गिवन टू दोस पीपल एज अ गिफ्ट ठीक है राइट <clears throat> right. अब ये लिबरलिज्म है क्या इसको जो है एक नजर हम देखेंगे डज इट वर्क सो सबसे पहली चीज सबसे पहला जो आइडिया है यानी कि लिबरलिज्म के बहुत सारे फर्स्ट प्रिंसिपल्स है लेकिन हम जो है मतलब दो उसके फाउंडेशनल उसूल के की, की बात हम करेंगे यहाँ पे ठीक है सो सबसे पहला उसूल ये है इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया

ये, and, you know, मतलब it, like uh, ये ये जो क्लेम है कि एवरी ह्यूमन बींग इज वायर्ड टू डू एवरी थिंग फॉर प्लेजर एंड यू नो मतलब इट ही शाइज अवे फ्रॉम पेन दैट डजेंट एक्सप्लेन मदरहुड इट डजेंट एक्सप्लेन थिंग्स लाइक पेट्रियोटिज्म अब हमारे कंट्री के जो सोल्जर्स हैं वाई आर दे रेडी टू गिव अप देयर लाइव फॉर द मदरलैंड ये ये पेन ओवर प्लेजर को प्रेफरेंस नहीं हुआ ये है ना तो ये सोचने की चीजें हैं आप जो है अगर आप आप में से कितने लोग हैं जिनको वॉकिंग की या एक्सरसाइज की या योगा की आदत है प्लीज रेज योर हैंड ओके, सो व्हाई व्हाई डू यू एक्सरसाइज और व्हाई डू यू वॉक और व्हाई डू यू डू यू नो व्हाई डू यू गो टू द जिम व्हाई डू यू डू योगा व्हाई डू यू स्ट्रेच आउट क्यों करते हैं आप ये वाई मतलब हाउ डज इट फील इट फील्स पेनफुल राइट

ठीक है इंसानों को जो है मोटिवेट करने वाली एक चीज लज्जत की चाह है लेकिन इसके अलावा जो है और भी चीजें हैं ऑनर है जस्टिस है कनेक्शन है फ्रेंडशिप है ये चीजें भी जो है इंसान को अलग अलग एक्शंस लेने पर आमादा करती हैं तो अगर हम ये बोलें कि ह्यूमन बींग्स आर प्राइमरीली ड्रिवन बाय प्लेजर एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर होल लाइफ शुड बी विद दैट सेम यू आर बेसिकली टर्निंग ह्यूमन बींगस इन अ बंच ऑफ एनिमल्स विद नो इंटेलिजेंस राइट इट इज एन इंसल्ट टू द्यूमन डिजाइन इट इज एन इंसल्ट टू दईडिया ऑफ यू नो ह्यूमन सेक्रीफाइस पेशेंस कंपेशन ब्रेवरी ये चीजों को जो है ये प्रिंसिपल रद्द कर रहा है ठीक है इसकी यानी कि यहाँ पे इस, इसका इसकी कैपेसिटी गुंजाइश यहाँ पे पैदा ही नहीं हो रही है एवरीथिंग इज बींग बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पेन वर्सेज प्लेजर पेन को मिनिमाइज करो प्लेजर को मैक्सिमाइज करो तो जो चीज आपको प्लेजर पहुंचाती है वो करो जो चीज से तकलीफ होती है उसको जो है अपनी जिंदगी से निकाल दो ये एक फाउंडेशनल ड्राइविंग फोर्स है लिबरलिज्म का पहला वाला ठीक है okay. अब दूसरा जो फाउंडेशनल फोर्स है उसको देखते हैं दूसरा जो फाउंडेशनल बिलीफ है वो ये है कि हर इंडिविजुअल को ये पता होता है कि उसके लिए सबसे बेहतरीन चॉइसेस क्या हैं ठीक है इसको इंडिविजुअल individual, इंडिविजुअलिज्म भी कहा जाता है इंडिविजुअल लिबर्टी भी कहा जाता है ठीक है सो द आइडिया इज दैट यू नो वट इज बेस्ट फॉर यू यू आर फ्री टू डू वट एवर यू वॉन्ट ठीक है यू आर फ्री टू डू वट एवर यू वॉन्ट बोलते ही बहुत सारे जो है यहाँ पे दरवाजे खुल गए so the the day people started propagating this idea एज यू नो मतलब एज एन इंडिविजुअल यू हैव लिबर्टीज यू कैन डू वॉट एवर वांट उसकी वजह से बहुत सारा फसाद होने लगा तो फिर इसको जो है एक कैच उन्होंने क्रिएट किया कि दे केम अप विद आइडिया ऑफ अ हार्म प्रिंसिपल वट इज द हार्म प्रिंसिपल वो ये है कि येस यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट एज लॉन्ग एज यू डोंट डू अदर पीपल एनी है तो आपकी जो मर्जी आए आप कर सकते हैं शर्त सिर्फ इतनी है कि दूसरों को आपके हरकतों से या दूसरों को आपके एक्शन से नुकसान नहीं होना चाहिए ठीक है? इंडिविजुअलिज्म और उससे पहले हमने जो देखा हिडोनेस्टिक प्रिंसिपल ये दो चीजें हैं जो लिबरलिज्म के ड्राइविंग फोर्सेस हैं अब आप इंडिविजुअलिज्म की हैसियत से आप जो चाहे कर सकते हैं आ, इल्ला ये कि किसी और को कोई तकलीफ ना हो तो यहाँ पे ये हो गया कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यू आर नॉट वायोलेटिंग द लिबरल लॉ लेकिन अगर आप तो अब अब एक मिसाल जो है इसकी जो जो है है एक बहुत बड़ी मिसाल जिसके बेसिस पे मतलब तो वो लोग जस्टिफाई करते हैं लिबरलिज्म के बेसिस पे वो है होमोसेक्सुअलिटी ठीक है तो होमोसेक्सुअलिटी इज ओके बिकॉज समबडी इज डूंग एनी इट इज बिटवीन यू नो इट्स चॉइस

फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन सिबलिंग्स ओके सो अकॉर्डिंग टू देयर फ्रेमवर्क दैट शुड ऑल्सो बी ओके बट दे आर नॉट ओके विद इंसेस्ट ठीक है तो इनके ही प्रिंसिपल्स में इनके ही उसूलों के अंदर जो है इतनी गड़बड़ है यानी कि एक चीज को मानते हैं जो समझ में आ गया उसको मान लिये जो नहीं समझ में आया उसको जो है नहीं माने ठीक है तो इस तरीके से जो है मतलब देर इज अड ऑफ इनकन्सिस्टेंसी विद इन द फर्स्ट प्रिंसिपल या फिर विद इन द फाउंडेशनल पॉइंट ऑफ द थियरी और जब फाउंडेशन आपके इतने कच्चे हों तो फिर यानी कि वो थियरी से आपको कोई ठोस जो है मतलब फायदा हासिल होना या फिर जो है इंसानों की कोई ठोस बेहतरी होना बहुत मुश्किल है choice. You चॉइस यू कैन एंगेज इन फिजिकल any विदाउट एनी बाउंड्रीज you want बिकॉज इट्स अ पर्सनल चॉइस ठीक है लेकिन अब इस तरीके से जो है मतलब आप जब दूसरे लोगों को यानी कि Uh, यानी कि इतनी लिबर्टीज जब लोग लेने लगते हैं और इसके इसके साथ में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज जुड़ी हुई नहीं होती है कोई अकाउंटेबिलिटी जुड़ी हुई नहीं होती है तो दिस इज वेयर द फ्लड गेट्स ऑफ एंड ऑपरेशन विल ओपन ठीक है यहां से जुल्म की इंतहा शुरू होती है यहाँ से जो है अखलाकी गिरावट का जो है इंसान इनसा, और सोसाइटी शिकार होना शुरू होती है अब आज आप देखिए कि जितने प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं जो सारे अपने आप को बहुत लिबरल कहते हैं जिन्होंने ये कोड ऑफ लाइफ को अडोप्ट किया हुआ है आ, दे आर स्ट्रगलिंग दे आर स्ट्रगलिंग लाइक एनीथिंग जो रोजी पिक्चर है वो तो हमको नजर आता है लेकिन जो बिहाइंड मतलब को लेके वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ये चीजों को जो है, बहुत uh, या फिर जो है हमारे uh, न्यूज चैनल्स हो या वट एवर जो है मतलब जो है, वो लोग नहीं करते हैं इट इज ऑलमोस्ट लाइक दे है

दीज थिंग्स क्राइम रेट्स दुनिया के सबसे हाइएस्ट क्राइम रेट्स अगर आप देखेंगे uh, ये जो है यूरोपियन uh, कंट्रीज में है सुसाइड रेट है ठीक है और ब्रोकन फैमिलीज है सबसे ज्यादा डिवोर्स रेट्स दुनिया में जो है इन्ही कंट्रीज में आपको मिलेंगे यहाँ पे टीन एज मदर इज नो लॉन्गर एन अनयूजल फिनोमिना यानी कि हर हर तीसरी जो है लड़की को आप देखेंगे की शीज अ टीनेज मदर ठीक है सोलह साल की उम्र में जो है बच्चा पैदा हो गया बच्चे को पाल रही है एंड अलॉट ऑफ दर सिंगल सो चिल्ड्रन आर इंक्रीजिंगली ग्रोइंग अप विद सिंगल पेरेंट्स ये जो है वहाँ की सोसाइटी की एक हकीकत है ठीक है और स्कूल uh, शूटिंग्स जो है वहां पे रैंडम स्कूल शूटिंग्स होना ये जो है मतलब एक आम मसला बन गया है अब आप यू नो इट विद कम ओन कंट्री हैव यू एवर हर्ड ऑफ समथिंग लाइक दिस हैपनिंग इन इंडिया

एडिक्शन है अल्कोहल इज सच बिग पार्ट ऑफ देयर लाइफ के अभी uh, कुछ दिन पहले जो है मतलब एक साइकोलॉजिस्ट की एडवाइस पढ़ने में आई तो उसमें ये uh, सुनने को मिला के यू यू नो इट विल बिकम इफ़ मतलबिंग फ्रॉम एल्कोहल लेकिन वो साथ में ये भी बता रही है योर लाइफ विल बिकम अ लिटिल लोनली क्योंकि इतना बड़ा फैक्टर है अल्कोहल का उनकी जिंदगी में ठीक है तो ये जो है मतलब और ये मामूली नहीं है इट हैज रीच टू अ पॉइंट ऑफ एडिक्शन फिर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस की जो है मतलब इनके पास भरमार है लाइफ लॉन्ग डिपेंडेंसी ऑन मेडिकेशन है ठीक है दीज आर द थिंग्स दैट द मीडिया डज नॉट शो यू ठीक है लेकिन फिर भी जो है मतलब अब इतना ज्यादा हो चुका है कि अब ये उबल उबल के जो है बाहर आ रहा है एंड सोशल लिबरलिज्म का जो है मतलब उनके अपने कंट्रीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ ये हमने एक नजर में देखा नाउ वी विल क्विकली रन थ्रू फेमिनिज्म नेक्स्ट बिग इजम दैट वी हैव फॉर टुडे Which is feminism. So, what is feminism? It is a belief in an advocacy for equality between genders.

हुआ करता था बिलखसूस जो है मतलब ये जो वेस्टर्न ममालिक यूरोपियन है इनकी अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो वहां पे जो है औरतों को यानी कि uh, ठीक है देखर लेस वैल्यूएबल लेस केपेबल दे कुड नॉट वोट दे कुड नॉट ओन प्रॉपर्टी दे कुड नॉट ओन मनी ये बाहर जाके जो है काम करना या फिर जो है कोई पैसे कमाने की जो है इनको इजाजत नहीं थी इनहेरिटेंस रिसीव करने की इनको इजाजत नहीं थी ऐसे कोई जो है इनके पास राइट नहीं थे दुनिया के इस हिस्से में अगर आप देख लें तो इंडिया के अंदर जो है हमारे पास सती का सिस्टम था है है ना जहां पे जो है अगर कोई आदमी का जो जो है 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 उसकी उसकी मौत हो जाती है, तो फिर बी को जो है उसके साथ जिंदा जला दिया जाता है और फिर विडोज को अगर एक्सेप्ट करने भी लगी थी सोसाइटी तो विडो के रिमैरिज का कोई ऑप्शन जो है हमारे पास या फिर विडो को रिमैरिज करने का कोई राइट नहीं था औरतों को जो है प्रॉपर्टी के जैसा ट्रीट किया जाता था बहुत सारे ममालिक के अंदर ठीक है तो ये सारे चीजों के जवाब में जो है विमेन केम अप विद दिस दिस ऑफ फेमिनिज्म दे थॉट दैट इज द बेस्ट वे टू चैलेंज दिस दिस अनफेयर एंड चेंज ठीक है ऑल ऑफ वेरी गुड एंड फेयर जहाँ पे जो है ज्यादाती हो रही है लोगों को उठना चाहिए और उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए लेकिन ये जो अप्रोचेस इन्होंने लिया है इसके अंदर कुछ जो है बहुत मेजर मिस्टेक्स uh, है या फिर मेजर फ्लॉज है जिसपे अब हम एक uh, जो है नजर डालेंगे फेमिनिस्ट मूवमेंट की जो फाउंडिंग मदर है उनका नाम बेटी फ्रीडान है ठीक है तो नाइनटीन में जो है उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम द फेमिन मिस्टिक था ओके। okay. तो वॉट डिड शी से औरतों को जो है अगर अपने हालात सुधारना है तो उनको अपने ट्रेडिशनल रोल्स को छोड़ना होगा शी सेट आर द रियल कॉज ऑफ देयर बींग्रीटेड रियल कॉज ऑफ देयर मिजरी ठीक है तो ये लेडी और इनकी जो है एक फ्रेंच कंटेम्प्री थी आ, उनका नाम जो है सिमोन सिमोन डी बुवार है है okay? ओके तो ये और Simone, ये ये बेट्टी और दोनों दोनों मिलके जो है, मतलब किए मूवमेंट को ये ये दोनों जो है मतलब बहुत इन्हे माक के साथ बहुत एक्टिविज्म के साथ बहुत राइटिंग के साथ बहुत मतलब बहुत अच्छा लिखते भी थे ये लोग तो इन्होंने जो है अपने कलम का इस्तेमाल किया अपनी आवाज का इस्तेमाल किया एंड दे प्रोव द मूवमेंट ऑफ फेमिनिज्म ठीक है तो यहाँ पे जो है ये लोगों ने कहा कि मर्दों और औरतों को इक्वल होने के लिए यानी कि ये सिर्फ उसी वक्त हो सकता है जब औरतें अपने ट्रेडिशनल रोल्स छोड़ दें और वर्क फोर्सेस को ज्वाइन करने लगे यानी कि जॉब जॉब करने पे जो है इन्होंने औरतों को आमादा किया कि घरों से निकलो कोई ना कोई नौकरी करो हर किस्म की नौकरी करो ठीक है इस तरीके से जो है अः ये लोग यानी कि खुवा को जो है इन्होंने झिंझोड़ा और उनको मोटिवेट uh, किया ओके नाउ व्हाट दे डिड इज अच्छा वी बिलीव दैट मदरहुड इज अ सेक्रेट जॉब ठीक है एक बच्चे को पैदा करना उसकी जो है देखभाल करना उसको पालना पोसना उसको सिखाना पढ़ाना उसकी तरबियत करना ठीक है ये सारी चीजों को जो है हम एक यानी कि एक बहुत ही सेक्रेट मुखाम देते हैं है है uh, you know, ना? बाप से भी जो है बड़ा दर्जा माँ का है ये ये सब है। तो ये क्यों है? तो क्यों मतलब मदर इज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग लाइफ ठीक है दुनिया में जो है जिंदगी क्रिएट करने नई जाने पैदा करने के अंदर जो है अल्लाह तला ने औरत का हाथ रखा है राइट लेकिन ये फेमिनिस्ट ने क्या किया दे uh said it was equal to mopping the floor okay, this is this is the approach that they had they said this is uh, you know uh, giving birth to children and taking care of them is

यानी कि वर्कफोर्स में आई है और अब इस चीज पे काम करने के लिए उन्होंने फैमिली स्ट्रक्चर का बहुत यानी कि उसको बहुत तोड़ने की कोशिश की दे बहुत जो है मतलब उसको डिग्रेड किया उसको बहुत अटैक किया और ये जो रोल है यानी कि घर घर के अंदर जो है मतलब घर के कामों को संभालने का जो रोल है जो सिर्फ एक औरत यानी कि मतलब खुशाइंदगी से कर सकती है इस रोल को इन्होंने बहुत अटैक किया ठीक है दे प्लेड इट डाउन एंड uh, बहुत जो है उस, उसके ऊपर जो है मतलब बहुत अटैक किया एंड इसकी वजह से जो है जो फैमिली स्ट्रक्चर था वो जो है ब्रेक डाउन होने लगा स्टेइंग एट एट होम होम दे 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 डिड नॉट वांट 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 टू 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 स्टे एनी मोर बिल्ड द हाउस यू नो नर्चर दर्चर दिल्ड्रेन टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रेन ये सब जो है ये सब काम लोग यानी कि खुवान छोड़ने लगे और वर्क फोर्स ज्वाइन करना शुरू कर दिए और फिर अब ये जो फेमिनिज्म का जो जोश था इसकी वजह से फेमिनिस्ट ने कहा कि सिर्फ मतलब अब जैसा अब आप, तो आप हॉस्पिटल में नर्स है या फिर टीचर है या डॉक्टर है यू नो मतलब रोज दैट आर मोर टेलर्ड फॉर दिन एनर्जीज ऐसे काम के बजाय जो है मतलब आप, आपको हर किस्म का काम करना चाहिए इस चीज पे जो है फेमिनिज्म ने उन्हें आमादा किया तो आप लेबर का भी काम करिए आप जो है टैक्सी ड्राइवर का भी काम करिए आप फायर फाइटर का भी काम करिए देर इज नथिंग दैट इज बियॉन्ड यू इस बात पर जो है इनको पुष्ट किया गया कि यू आर इक्वल टू मैन एंड यू कैन डू एवरीथिंग दैट अ मैन कैन डू ठीक है तो बेसिकली आपको सेकेंड मैन बनाने की जो है एक एक जो है महाज एक चलाया गया इस तरीके से जो है हम अपने राइट्स को क्लेम करेंगे कि हम जब हर किस्म का वो काम कर सकते हैं जो मर्द कर सकते हैं तो फिर हमको भी वही इज्जत मिलेगी जो मर्दों को मिलना म, मिल रही है और फिर हमको भी वही हकूक मिलेंगे वही सैलरीज मिलेंगे वही जो है पे चेक मिलेगा जो मर्दों को मिलता है तो इस इस, इस दौड़ में जो है मतलब दे दे रीच वेर दे लॉस्ट ऑल देर कॉमन सेंस ऑल ऑफ देयर लॉजिक ठीक है फेमिनिज्म के बहुत सारे वेव्स रहे हैं और बहुत सारे फॉर्म्स हैं हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं लेकिन ये एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ यानी कि इस, इसका नतीजा क्या हुआ हम उसपे जो है एक आ, सरसरी नजर डालेंगे नाउ देर दैट फेमिनिज्म प्रोमोटेड ठीक है दो चीजों पे इन लोगों का बहुत ज्यादा फोकस था पहली चीज ये था कि इज इस ओके राइट तो राइट तो दो चीजों पे जो है फेमिनिज्म का बहुत ज्यादा जोर था पहली चीज ये है कि उन्होंने औरतों को इस बात पे आमादा किया कि वो वर्कफोर्स को ज्वाइन करे यानी कि Uh, हर किस्म के जो है जॉब्स करें और दूसरी चीज जिसपे इन्होंने औरतों को बहुत भड़काया वो है कि स्टॉप हैविंग चिल्ड्रन ठीक है तब इस सिलसिले में हर किस्म का जो है कैंपेनिंग किया गया बहुत सारा एक्टिविज्म हुआ बहुत सारी राइटिंग लॉट्स ऑफ प्रोटेस्ट रैलीस डिमांडिंग राइट फॉर वुमेन एंड शेपिंग दर्स्पेक्टिव ऑफ द पब्लिक ठीक है ये दो ये दो चीजों को लेके जो है बहुत काम किया गया उसके 20 साल के बाद यानी कि 1960s में जो है ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ और फिर इसके 20 साल के बाद जो है बेटी फ्रीडान ने एक बहुत बड़ा सर्वे किया शी रैन अ वेरी ह्यूज सर्वे टू सी द रिजल्ट ऑफ हर वर्क ठीक है उन्होंने जो एक्टिविज्म किया था पिछले बीस साल में इसका असर जो है खुवान के ऊपर क्या हुआ इस, इसको जानने के लिए शी डिड अ सर्वे एंड शी वॉन्टेड टू सी इफ वीमेन आर एक्चुअली डूइंग बेटर देन बिफोर और नॉट ठीक है क्योंकि अब उन लोगों का मानना यह था कि भाई खुत के हालात बहुत बुरे हैं तो हालात सुधरे हैं या नहीं ये देखने के लिए दे सर्वे एंड शी टू मूवमेंट स्टार्टेड खीन बहुत जो है मतलब मिजरेबल थे, बहुत, जो है, अपने हालात के ऊपर बहुत ही जो है मतलब दुखी दुखियारी की जो है कैफियत में थे तो शी रोट अ सेकेंड बुक इन एटी वन कॉल्ड स्टेज ठीक है और इस किताब के अंदर उन्होंने जो पहली किताब दिस दिस बुक द फेमिनिन जो 1963 में लिखी गई है दिस इज कंसिडर्ड टू बी द बाइबल ऑफ फेमिनिज्म ठीक है बहुत जो है इंपॉर्टेंट किताब है बीस साल के बाद यही ऑथर ने एक और किताब लिखा और उस किताब में जो है शी रिट्रैक्टेड और टुक बैक मेनी ऑफ हर आइडियाज शी सेड दैट सम थॉट्स इन द फर्स्ट बुक वर क्वाइट एक्सट्रीम शी शुड नॉट हैव सेड दैट ओके सो बेसिकली शी डिसमेंटल्ड हर ओन है और उन्होंने इस किताब के अंदर

उनके पार्टनर के घर आने से पहले यानी कि शी शी इन इन अ लिव रिलेशनशिप विद वेरी फेमस फ्रेंच फिलोसोफर ठीक है तो उन्होंने घर आने से पहले जो है ये घर की सफाई करती थी ये जो खातून है सिमोन डी बुआर हु इज द फाउंडर वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट शी वर्क इन फ्रांस एंड उन्होंने अपनी जिंदगी अपनी जाति जिंदगी के बारे में ये बता रहे हैं कि शी टू टू क्लीन अप द द हाउस कुक फूड एंड प्रिपेयर हाउस फॉर हर पार्टनर टू कम होम ठीक है तो बोलने की बातें कुछ और है और अपनी जी जिंदगी में जो है इन लोगों का अमल कुछ और रहा है तो अब ये जो ये दो बहुत बड़े uh, persons है, ये मूवमेंट के अंदर फेमिनिस्ट मूवमेंट के अंदर ये दोनों की हैसियत को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता क्योंकि सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस ये दोनों का रहा है ठीक है तब इनकी जो है कैफियत ये है इनका अंदर एक है और बाहर एक है ठीक है सो दैट दैट इज दैट इज द इनकंसिस्टेंसी दैट वी सी लेकिन <coughs> अब इनकी किताब लिख के रिट्रैक्ट करने से कोई खास फायदा नहीं हुआ क्योंकि द द आउट ऑफ केज राइट इनका जो फनाटिक एक्टिविज्म है इसकी वजह से जो है डैमेज हो चुका था और ये जो थियरीज थे ये जो आइडियाज थे कि भाई इक्वालिटी होना चाहिए हर हर औरत को हर सब कुछ करना चाहिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये आइडियाज बहुत पॉपुलर हो चुके थे सारी दुनिया में जो है इसके इस यानी कि इसकी बोलचाल जो है लोग बोलने लग गए थे ठीक है एंड वॉट इज द रिजल्ट ऑफ दिस मूवमेंट Uh, वहां पे मुस्तकिल सर्वेस कराए गए ठीक है ये जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं ये लोग अपने सर्वेस कराते हैं मतलब एवरी uh, okay. तो का नतीजा ये मिला And, uh, 80 है कल अगर आप रिजाइन करने को कहें और अगर गुंजाइश है तो वो कल अपना जॉब जो है छोड़ने के लिए तैयार है एटी ऑफ द वर्क फीमेल वर्क फोर्स का ये मानना है ठीक है और वहां के जो बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं वो लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि बहुत बड़े पे काम करने वाली खवतिन जिसके जॉब्स जो है मतलब बहुत हाई पेइंग जॉब्स है वो लोग यानी कि करियर के पीक में जो है अपना जॉब क्विट करके घर बैठने के लिए रा, राजी हो जा रहे हैं क्योंकि उनको मतलब दे वॉन्ट टू स्टार्ट अ फैमिली दे वॉन्ट टू हैव चिल्ड्रन ठीक है तो ये चीज जो है मतलब वहाँ के लोगों को समझ में नहीं आ रही कि भाई थी ट्रेडिशनल रोल से जो है आपको सारी आजादी मिल चुकी है नो मोर कुकिंग क्लीनिंग हैविंग चिल्ड्रन ऑल ऑफ दिस नहीं है लेकिन फिर भी जो है खातन बहुत डिसेटिस्फाइड है बहुत मिजरेबल जो है उनकी कैफियत है सर्वे आफ्टर सर्वे गेव द सेम रिजल्ट ठीक है लेकिन Baat ye hai ke, these surveys will not be highlighted either in the media or anywhere else. right. so, saying that motherhood is a cake walk. You know, uh, to take care of a house and to build a home is an easy thing to do. But uh, you know, if you ask women a question, a simple question, ke, uh, will you give your life for your child or will you give your life for your job? people are going to laugh, right? because the answer, i mean, the question is ridiculous and the answer is very clear. सो नो मैटर वॉट यू डू नो मैटर वेयर यू वर्क अ करियर कैन नेवर बी एज इंपॉर्टेंट एज यू नो योर ऑफ स्प्रिंग और योर चाइल्ड तो ये चीज इस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया है अब यहाँ पे एक बहुत शॉकिंग बात ये मालूम हुई कि फेमिनिज्म है ठीक है ना दिस इज वन फैक्टर अबाउट फेमिनिज्मीपल डोन्ट नो पहले ये होता था कि एक औरत के साथ जो है जिंदगी गुजारने के लिए एक आदमी को शादी करना पड़ता था ठीक है तो शादी के अखराजात है कुछ जो है वहां पे कुछ डाउरी है या फिर यू नो सम ब्राइडल गिफ्ट है एक्सेट्रा एक्सेट्रा देन दे हैव टू पे फॉर द फूड दे हैव टू पे फॉर द रेंट बिल्स ओके मेंटेनेंस ये सारी चीजें जो है इनको पे कर करने के बाद जो है दे वुड हैव अ वुमन टू लिव विथ इन देयर लाइफ लेकिन अभी फेमिनिज्म के बाद ये हुआ कि नाउ दे कैन लिव विद एनी

ओके एंड इफ यू लुक एट द वेस्टर्न सोसाइटीज इंक्रीजिंगली हमको ये देखने में मिल रहा है कि विमेन आर फाइंडिंग फीलिंग यूज्ड दे आर यू नो बीइंग लेफ्ट एज सिंगल पेरेंट्स एंड इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंगल पेरेंट राइट बहुत ज्यादा जो है शादियां नहीं हो रही है क्योंकि शादी का कोई रिक्वायरमेंट बाकी नहीं है राइट right? they fought for the right to uh, you know, stay with uh, whoever in whatever uh, circumstances live in relation relation wo relation so uh, there are so many types of relationships that they have that marriage is not a requirement anymore and their bodies are open for violation by their own consent the woman has no financial security she has no social security she has no physical security she now works because she has to earn not because she would like to earn or not because she is talented or has something to contribute to society. So in some total they can get to feminism yeah liberalism they have nothing to offer to Islam or Muslims okay so we do not need to be foolish by blindly rushing and following the footsteps of these nations that have done the experiment and seen it fail. तो ये लोगों ने जो है ये तजुर्बा कर लिया है दे हैव ट्राइड आउट दीज डिफरेंट थियरीज एंड दे हैव सीन देम फेल विथ रिसाउंडिंग यू नो फेलियर कोई छोटा मोटा फेलियर नहीं है बहुत मतलब इट्स वेरी वेरी एविडेंट इफ यू लुक एट दियर सोसाइटी यू विल सी द फेलियर ठीक है तो अब हमको जो है इनके पीछे भाग के जो है इनके नक्शे खत्म पे हमको चलने की जरूरत नहीं है अगला गिरा पिछला होशियार राइट वी हैव दीज कहावतें सो वी विल वी डोंट नीड टू कमिट ऑल दिस्टेक्स आर सेल्स वी विल लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स मिस्टेक्स न इफ दैट इज द क्वेश्चन वाई आर वी लुकिंग आउट मतलब वाई आर वी लुकिंग एट ऑल ऑफ दिस Right. so we are looking at all of this because the monkey is still out of the cage. Okay, these, uh, these ideas are seeping into our minds very slowly through the media, through the movies, through the literature, through the stories, through the advertising, news, hai, Facebook, hai, Instagram, hai. no matter where you go. These ideas are in micro form.

इक्वालिटी मिल जाएगी ये आइडिया से जो है हमारी खुतिन को बेहतर मुखाम मिल जाएगा ये हमारी जो है सोच हो हो, हो गई है लेकिन यहाँ पे समझने की एक चीज है प्राइमरी चीज ये है कि ऑल दीज इज़म्स या ऑल दीज थियरीज आर ट्राइंग टू डिसमेंटल टू थिंग्स सबसे पहली चीज है कनेक्शन टू गॉड और दूसरी चीज है फैमिली यूनिट ठीक है क्योंकि आपका वंस अ कनेक्शन टू अ हायर पावर इज इरेज देर इज नो फियर ऑफ अकाउंटेबिलिटी ठीक है इंसान के अंदर से जब खुदा का या फिर जो है कोई ऊपर वाली जात का खौफ खत्म हो जाता है तो फिर जवाबदेही का एहसास खत्म हो जाता है और दूसरी चीज फैमिली यूनिट है एक बार फैमिली सिस्टम ब्रेक डाउन हो गया तो सोसाइटी जो है एक जंगल बन जाता है जहां पे हर ताकतवर जो है कमजोर पर जुल्म कर सकता है ज्यादती कर सकता है एंड इनजस्टिस विल बी द रूल ऑफ दी ओके एंड टू हेल्प आउट इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन तो ये दो चीजों पे जो है बहुत ही फोकस रहा है ये का ये आइडियोलॉजीज का अब आइडियोलॉजी क्या है सोल्यूशन uh, solution और सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए चैलेंजेस क्या हो सकते हैं तो हमने ये देखा कि जब इंसान खुद ये चीज तय करने की कोशिश करते हैं कि हमारे लिए बेहतर क्या है इट इज यू नो इट इज लाइक दिस के आप Uh, एक एशियन को एक चाइनीज को एक अमेरिकन को एक यूरोपियन uh, को एक यू नो ब्रिटिशर को एक इंडियन को एक अफ्रीकन को जो है एक टेबल पर साथ में बिठा दें और uh, उन्हें कहें कि भाई आप कोई रेस्टोरेंट को खाना खाने जाइए नाउ दे ऑल हैव टू डिसाइड वेयर दे वांट टू गो राइट सो इट्स इट्स अ लिटिल लाइक दैट एक्सेप्ट दैट द रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी वे मोर कंफ्यूजिंग एंड आर गोइंग टू बी वे मोर सीरियस आपका सिर्फ पेट खराब होने वाला नहीं है वहां पर और बहुत कुछ खराब होने वाला है फियर है ठीक है ये 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 दीज आर डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ आर वेरी ह्यूमन लिमिटेशन तो आप जो है ये लिमिटेशंस रखते हुए एक ऐसे पे कैसे पहुंच सकते हैं जो सबके लिए बेहतर होगा it will be the wisest decision it will be the best for everyone without the shadow of a doubt can you come to a decision like that can human beings sit together and decide on a way of life or on a way of thinking on a way of living that is going to benefit everybody the answer is simple it's no okay but we keep doing this humanity keeps experimenting and we keep paying the price again and again डिफरेंट uh, different different again again कम्युनिटी का जो है असर क्या होता है अब हम जो है एक, आ, आ, क्या बोलना चाहिए सोसाइटी या फिर जो है मतलब एक मुस्लिम सोसाइटी की हैसियत से हम क्या चीजों पर ईमान लाते हैं या फिर वो वॉट आर दिंग्स दैट वी बिलीव इन ओके सो अगर आप जो है मतलब एक ऐसा तरीके सोच इख्तियार करते हैं जिसके अंदर आप आ, कोई खुदा पे यकीन है आपका ठीक है uh, यानी कि वेन यू हैव अ बिलीफ इन गॉड वेन यू बिलीव दैट देर इज अप्रीम बींग नॉट लिमिटेड लाइक us ह्यूमन beings, हु इज एन ऑल पावरफुल ऑल नोइंग being, ठीक है जिसने हमको पैदा किया है और चूंकि उसने हमको पैदा किया है वही बेहतर जानता है कि भाई हमारी मेक क्या है हमारी फिजिक क्या है हमारा जो है क्या है, हमारा हमारी साइकोलॉजी क्या है ये सब चीजों से बनाने वाला सबसे ज्यादा बेहतर जान सकता है राइट? Right? So so हमको शुरुआत करनी है नाउ डू वी बिलीव इन गॉड डू वी नो वॉट दिस गॉड इज लाइक राइट सो गॉड है है ना कोई ऐसा ऑल माइटी जो है गॉड होना चाहिए कोई ऑल वाइज गॉड होना चाहिए जो बहुत ही यानी कि जस्टिस कायम करने वाला हो नॉट नॉट अ गॉड हु इज बायस टूवर्ड पीपल इग्नोर द अदर पीपल ठीक है ऐसा ऐसा जो है गॉड हमको नहीं चाहिए वी वॉन्ट अ गॉड हु इज यू नो एट द सेम टाइम ही इज मैग्निफिसेंटली रहमान एंड रहीम एंड करीम लेकिन वेन ही पुल्स द रोप ही इज ऑल्सो जब्बार एंड कहार ओके सो वी डोंट वॉन्ट अ गॉड हु इज ओनली लविंग 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 लविंग

Uh, limitless and powerful, perfect uh jo hai entity, pe jo hai karna, and uh, to believe that this entity will give us something that is the best for us. You know, that is the only way out of this mess. Okay. Uh, so how do how do you do this? How do you deal with this? So, what we do is we find out more about Alatala. Okay, now, now what are the things that we can do? So we study the sifat of Alatala, we spend time turning that knowledge into Yacheen in our hearts. ठीक है खाली जान लेने से जो है कुछ नहीं होगा आपको जो है जो नॉलेज है उसको बिलीफ में कन्वर्ट करना जरूरी है क्योंकि द बिलीफ इज वॉट विल ड्राइव योर एक्शन राइट वी जस्ट सो एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन सो वी हैव टू कन्वर्ट दैट नॉलेज इंटू बिलीफ वी हैव टू कन्वर्ट इट इंटू यकीन एंड वी हैव टू हेल्प आवर चिल्ड्रेन विद द सेम थिंग ठीक है उनको भी जो है इस मामले में हमको आगे बढ़ाना है दूसरी चीज ये है एक सेकेंड So I have uh, you know, as matlab, solutional perspectives, ke se jo hai, I have around six points that I will take you through quickly and then we will end the discussion. Close the door. The second thing is when you are connecting with your source, when you are connecting with your rub, okay. That is the only way to gain the most solid sense of identity. Theek hai? ये मेरा खुदा है और मैं इसका बंदा हूँ ये आइडेंटिटी जब आपका क्रिएट होता है तो इससे ज्यादा सॉलिड आपका कोई आइडेंटिटी क्रिएट नहीं हो सकता आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पीछे भी वही खुदा है जो मूसा सलाम के पीछे खड़ा था जब मूसा सलाम समंदर जो है पार करने जा रहे थे सो वेन यू नो दैट यू नो यू हैव सच अ पावरफुल लॉर्ड हु इज बैकिंग यू हु इज बिहाइंड यू यू विल नॉट फेस दईडेंटिटी क्राइसिस दैट यू नो दैट वी आर सींग मुस्लिम्स टूडे ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम हमारी इन जड़ों से कटे हुए हैं जो हमको अल्लाह तला के साथ ग्राउंडिंग करती है ठीक है तो अब हमारे इलमी अलकात में जो है आ, मैं मतलब मेरे देखने में ये आया और मेरी शिकायत है कि वी डू नॉट टॉक अबाउट अल्लाह वी टॉक अबाउट एवरी हम नमाज रोजा हज जक़त हर हर चीज के बारे में खुला है तलाक है ये है वो है मसायल है फिक है वी टॉक अबाउट एवरीथिंग थिंग वाई डू नॉट वी फोकस ऑन अल्लाह तला मतलब the idea of acquiring knowledge about Allah Taala is the least of our focuses. तो क्यों है ऐसा मतलब जब ये आइडेंटिटी हमारी फॉर्म नहीं होती कि हम हमारे रब के बंदे हैं उसके अब्द हैं तो फिर इबादत कहाँ से आएगी इताद कहाँ से आएगी उसकी जो मर्जी है उसके आगे हमारी मर्जी कुर्बान करने का जज्बा कहाँ से आएगा हाउ आर वी गोइंग टू यू नो गेट दैट यू नो जज्बा ऑफ बींग एफिलियेटेड विद दिस परफेक्ट एंटिटी तो अः uh, यानी कि इस चीज पे फोकस करने की जरूरत है इसकी वजह से जो है मतलब ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस आज हम देख रहे हैं इसका बहुत बड़ा सोल्यूशन जो है मतलब इस चीज से जुड़ा हुआ है वी नीड टू एजुकेट आर सेल्स अबाउट हु अल्लाह तला इज वॉट इज ही लाइक वॉट आर हिज एट्रीब्यूट ओके तो उनसे जो है मतलब अल्लाह तला से जब तक हमारा ताल्लुक हम नहीं जोड़ेंगे और ताल्लुक जोड़ने के लिए ये काम करना जरूरी है तीसरी जो बात है वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी इन इस्लाम ठीक है अब हम इक्वालिटी को देखें कि लिबरलिज्म इज टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी फेमिनिज्म इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी नाउ वट इज इस्लाम अबाउट इक्वालिटी तो इस्लाम इज वेरी वेरी क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी क्या है इस्लाम में इक्वालिटी ऑफ वैल्यू इस्लाम ने हर इंसान को दी है इस्लाम सेज दैट एवरी ह्यूमन बीइंग इज इक्वली ऑनर्ड इक्वली वैल्यूड इन द आईज ऑफ गॉड क्या मतलब है इसका अगर खून या, यानी कि मतलब अब इसका मतलब यह है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है आपका जो है मतलब आपकी जिंदगी मर्द की जिंदगी औरत की जिंदगी दोनों की वही हैसियत है मर्द के हुकूक हकूक औरत के हुकूक दोनों की वही वैल्यू है आपका खून उनका खून दोनों की जो है वही वही कीमत है ठीक है तो कोई बड़ा और कोई छोटा या फिर जो है कोई अल्लाह की नजर में ज्यादा करीब है कोई जो है दूधकारावा है या फिर सेकेंडरी है ऐसा नहीं है बोथ आर इक्वली वैल्यूड एंड ऑनर्ड इन दईज ऑफ गॉड नो मैटर हु यू आर यू आर ऑनर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सबसे पहले तो अशरफुल मखलूकत है और फिर दूसरी चीज जो है यू आर ऑनर्ड ऑन द बेसिस ऑफ योर हार्ट एंड योर इंटेंशन एंड योर एक्शन राइट दैट इज दट विल सेट पीपल अपार्ट फ्रॉम इच अदर तो ये ये चीजें हैं जिससे फर्क होता है अब रही बात है तो ये सवाल जो है अक्सर हमसे किया जाता है ये बताने के लिए कि आपके इस्लामिक टीचिंग्स के अंदर कुछ गड़बड़ है मतलब दे दे आर नॉट नॉट एड्रेस इक्वालिटी ठीक है ये हमको कॉर्नर करने के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर एंड इक्वल इन इस्लाम तो आंसर जो है मतलब मल्टी लेयर्ड आंसर है अगर आप इसके आंसर के डेप्थ में जाने की कोशिश करें तो मैन एंड मैन आर नॉट क्रिएटेड इक्वल वीमेन एंड आर नॉट क्रिएटेड इक्वल आई एंड यू आर नॉट इक्वल है ना यू एंड योर द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू इज नॉट इक्वल आप और आपकी बहन इक्वल नहीं है आप और आपका जो है uh, भाई इक्वल नहीं है सो वेन देर इज सो मच डिस्क्रीपेंसी विद इन द सेम अब कोई जो है छह फुट का है कोई चार फुट का है कोई जो है यू uh, नो you know, गोरा है कोई काला है कोई जो है इंटेलेक्चुअली बहुत एडवांस है कोई इमोशनली बहुत एडवांस तो विद इन द सेम जेंडर ही जो है लोग आपस में एक दूसरे से इक्वल नहीं है राइट right? तो फिर अब हम ये बोलने कैसे निकल कि जाएलॉजिकल आर साइकोलॉजिकल ये सारे फर्क है इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस है कुछ ऐसे काम है जो आप कर सकते हैं जो वो बिल्कुल नहीं कर सकते ठीक है कुछ ऐसे काम है जो वो कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते सो यू नो मैन एंड वुमेन आर देवल आर दे नॉट ये क्वेश्चन से जो है कॉर्नर होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये यानी कि इट्स नॉट अ ब्लैक एंड व्हाइट क्वेश्चन ठीक है आपको जो है मतलब बहुत सारे आप बहुत सिंपलीफाई कर दे रहे हैं मसले को अगर आप ऐसा सवाल कर रहे हैं क्योंकि ठीक uh, uh, है अब मुख्तसर जवाब है अल्लाह 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 तला की नजर में अल्लाह तला ने यानी कि एक हायरार की सेटअप की है और उसमें अल्लाह तला ये बता रहे हैं कि मेन आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ वीमेन एंड दे है दिस इज वॉट अल्लाह द कुरान अब ये किस लिए है ये डिग्री ये जो मतलब थोड़ा सा बर्तरी जो उनको दी गई है ये उनकी अथॉरिटी आपके ऊपर जमाने के लिए नहीं दी गई है ये मैनेजरियल हायर को डिफाइन करने के लिए दी गई है ठीक है अब आप कोई कंपनी में जॉब करते हैं या फिर जो है यू नो यू वर्क समवेयर डज योर कंपनी रन विदाउट अ बॉस येस और नो कैन यू इमेजिन अ कंपनी रनिंग विदाउट अ बॉस है ना यू हैव हायर आर्की आपके आपके पास जो है एक आर्की वहां पर मौजूद है एक जो है सिलसिला वहां पे मौजूद है नाउ कैन यू से यू आर इक्वल टू योर बॉस आप एक एम्प्लॉई है आपकी कंपनी में आपके स्कूल में आपके इंस्टीट्यूशन में आर यू इक्वल टू योर बॉस आर यू इक्वल टू द प्रिंसिपल इफ यूर अ टीचर आर यू इक्वल टू यू नो द अदर पीपल हुर अपन दायर आर्की क्या आप बोल सकते हैं कि आप इक्वल है तो जब आप वहां पर ये बात ये सवाल नहीं कर रहे हैं तो फिर एंड वट इज गोइंग टू हैपन इफ है योर सेल्फ एज एन इक्वल टू योर बॉस डिफरेंट एस्पेक्ट फ्रॉमचन लेट मे गिव यूरपेक्टिव ऑन क्वेश्चन आपकी फैमिली uh, मिसाल के तौर पर खुदा ना खास्ता जो है चोर आ गया और आपका जो है पर्स खींचने की कोशिश कर रहा है यू आर विद योर हसबेंड और यू नो यूर स्पाउस द होल फैमिली इज टूगेदर हूज जॉब इज टू प्रोटेक्ट हुट यूर हसबेंड और इज इट यूर हजबैंड जॉब टू प्रोटेक्ट यू

ये जो है पर्सपेक्टिव हमको चेंज करना है चौथा जो काम हमको करना है वो ये है कि वी हैव टू एलिवेट द रोल ऑफ मदरहुड हम ने जो है यानी कि मदरहुड को एक जमाने में जो रिस्पेक्ट दिया था वो रिस्पेक्ट जो है हमको वापस लाना जरूरी है राइट सो देर वॉज अ टाइम वेन मदर्स वर ऑनर्ड अब हमारे लिटरेचर में भी हम पढ़ते हैं कि हमारे जो बड़े बड़े उलमा कराम हैं तो उनकी माओ का जो है बड़ा तरीके से जो है उनका तस्करा हमको मिलता है लेकिन आज के दौर में देखिए वी मेक रोल ऑफ मेकर्स राइट पीपल वीमेन चूज टू स्टे बैक एंड बिल्ड द होम उनसे क्या पूछा जाता आप क्या करते कुछ नहीं राइट right? सो so, वो कुछ नहीं मतलब वाई आर यू आंसरिंग कुछ नहीं होम इट्स लोग नौ घंटे की नौकरी करते हैं ये चौबीस घंटे की नौकरी है ठीक है आधी रात से जो है मतलब आपका बच्चा अगर रो के उठा तो आपको उठना है इट्स अम इस ट्वेंटी फोर बाई सबसे पहले वी एजन एज फीमेल वी नीड टू मेक श्योर दैट शी गेट्स रिकॉग्नाइज्ड एंड रिस्पेक्टेड फॉर व्हाट शी वुमन हमारे ये जो फित्री जो रोल्स हैं इसके लिए जो है यानी कि जो मदरहुड का जो बहुत बड़ा इन इन स्पेसिफिक या फिर होम मेकर का जो रोल है तो दैट इट डिजर्व तो वेर डू यू स्टार्ट चेंज थिंकिंग अबाउट दिस एंड आई स्ट्रगल विद मतलब ये आई स्ट्रगल टू चेंज दिसकन मी अट ऑफ एफर्ट टू चेंज द फैक्ट दैट यू नो

Uh, that was point four and then the fifth uh, the second last point is hamare family structure it is in a crisis in today's world hamare they are no longer you know abodes of peace we look very very nice when we step outside the house but uh, we bring our worst self back home right the husband and the wife are snapping at each other and we don't fulfill each other's responsibilities. Children are disrespectful. Everybody is talking about rights but uh, nobody is really focusing on responsibilities. Myself included, right तो अब हमारे जो घर है इसके अंदर effective boundaries नहीं हैं। Joint family है तो फिर वहाँ पे बहुत जो है boundary breaching हो रही है, ठीक है? तो उसके नतीजे में जो है people are moving out of uh, the joint family system and choosing to go for nuclear families उसके अपने challenges hain तो ये ये समझने की बात है कि the marital relationship is a sacred circle okay it's a circle where uh, the husband and the wife create that circle so you have to protect the sanctity of that circle first ab hamare jo bade hain unka kaam hai ki bhij jo shadi shuda couples hain newly married hai for example give them that space give them that flexibility to grow as a unit theek hai ye nahi ki jo hai thoda sa कुछ ऊंच नीच हो गया तो बेटे को जो है बहू के खिलाफ भड़का दिए या फिर बेटी को दामाद के खिलाफ भड़का दिए दिस इज ये हमारे हसबेंड एट स्लाइटेस्ट इशू राइट सो दिस इज दिस नॉट अ वेरी मेच्योर रोल्डर्स आर प्लेइंग सो आवर एल्डर्स नीड टू अंडरस्टैंड नीड स्पेस टू ग्रो दैट स्ट्रेंथ इन देयर ओन रिलेशनशिप राइट वी नीड टू गार्ड अवर होम्स लाइक यू वुड गार्ड अट स्पेस तो यहाँ पे जो है रिस्पेक्ट होना चाहिए ट्रस्ट होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए फिर ये चीज का फेहम नहीं है कि हालात uh, सख्त भी होंगे अंडरस्टैंडिंग द टाइम्स विल बी हार्ड एज वेल राइट यंग यंग पीपल आर दे प्रिपेयरिंग फॉर दे आर प्रिपेयरिंग फॉर वेडिंग्स दे आर प्रिपेयरिंग फॉर यू नो द रोजेज एंड हनीमून वाला फेस एंड आफ्टर दैट यू नो रियल लाइफ स्टार्ट आफ्टर द हनी मून फेज सो but we are not preparing them for any of that we are not preparing them for the hardships for you know two people living constantly in each other's space two people you know coming up with their messy personalities they are coming together

स्टोरी नॉवेल्स में हो बट नोबडी इज यू नो प्रोजेक्टिंग वॉट अ हैप्पी आइडियल फैमिली शुड लुक लाइक दैट शुड हैव एन इक्वल रोल टू प्ले that you know people look at these models and see that okay matlab मतलब is also a possibility this is how we should be you know striving to make our relationship like to so, ये cheezon pe भी jo hai फोकस करना चाहिए और aakhri जो बात है we need to worry about our boys.

ना कंपैशन है ना औरत की नीड्स का जो है अवेयरनेस है ना एहसास है तो मेजोरिटी नॉट सेइंग एवरीबॉडी इज लाइक दिस लेकिन अ लॉट ऑफ आवर बॉयज आर लाइक दिस तो इनका ऐसे होने में किसका रोल है हु हु कैन वी ब्लेम इफ द बॉयज आर टर्निंग आउट टू बी लाइक दिस

मतलब हम ये समझते हैं कि राइट्स के टर्म्स में जो है खुतिन बहुत मार खाई हुई हैं लेकिन नेग्लिजेंस में जो है मतलब हमारा मेल uh, जो सेक्शन है सोसाइटी का दे आर एब्सोल्यूट मतलब uh, क्या बोलना चाहिए uh, बहुत जो है मतलब बहुत बड़ा तबका है जो डिस uh, है और जो है मतलब फेलियर्स का तबका है एंड दैट इज गोइंग टू कैच अप विद मतलब वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट अदरवाइज इट विल कम बैक टू हिट अस इन द फेस राइट सो आर हेटर थिंग्स दैट आई हैड इन माइंड स्कोप uh, है, है, है इस टॉपिक uh, में और मजीदे uh, uh, you know, uh, अल्लाह तला से मेरी दुआ है की uh, अल्लाह तला हमको इन चीजों पर गौर विक्र करने की तोफीकता फरमाए हमारी अपनी जो सोच है उसको इवेल्युएट उसको असेस करने की सलाहियत हमें दे और उसके साथ साथ जो है फिर उसके अंदर चेंजेस लाने की तोफीकता फरमाए आमीन माशाल्लाह बहन आपने बहुत ही साइकोलॉजिकली अपीलिंग अंदाज में इस टॉपिक को हमारे सामने एक्सप्लेन किया हम आपके मशकूर है कि आपने अपने के से हमारे लिए वक्त निकाला अल्लाह ताला आपको जजाय खैर दे जजाकल्ला खैर तालीम औरतों की जरूरी तो है मगर तालीम औरतों की जरूरी तो है मगर खातुन खाना हो वो सबाकी परी ना हो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस प्रोग्राम के अख्ताम पर पहुंचते हैं अल्लाह ताल से दुआ है कि हमें इस्लामी हदूद में रहते हुए फ़रज़ और जिम्मेदारियों को पूरा करने की तोफ़े ख़ता फ़रमाए माशरे की गंदगी से हमारी हिफाजत फरमाए आमीन यारब दिल मुस्लिम को वो जिंद तमन्ना देब दिल मुस्लिम को वो जिंद तमन्ना दे जो रूह को तड़पा दे जो खलब को गरमा दे आइए हम सब मजलिस की दुआ पढ़ लें सुबह नकल्ला व भी हमदीका न श्ला नख